समाज में एकता बहुत जरूरी चाहिए। जिंदा जी थोड़ा सा लड़ लो, भिड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे मरने के बाद कहां लड़ाई भड़ाई होती है, वो तो बोलता भी नहीं है, हैं? तो उनको कम से कम शांति से एक जगह इकट्ठे करके करो जो कुछ करना। आपके यहां खादर में पावर हाउस बना, बिजली का कुछ सहूलत हुई है? सहूलत हुई क्या? नहीं है गई, है गई। ऐसे ही पेंटोल पुल बना जमुना का, पेंटोल बना भाई, बना है। कुछ सड़कें 12 फुट पहले थी, हमारे यहां से ऑर्डर आया था 18 फुट कर दो, है गई। धन्यवाद। अगर मैं अकेला बोलता रहूंगा तो आप खड़े होकर के बाद में ताली बजा के चलते बनाओगे, कोई कहेगा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, और कोई कहेगा ना भी जमा मैं नहीं आया, वो आप कहने लग जाओगे। लेकिन वार्तालाप में, संवाद में, बातचीत में कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप बोलेंगे, सबके मन की तसल्ली करके जाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले जिस गांव में मैं आया हूं मैं इतना बताना चाहूंगा कि पिछले 8 साल में आपकी सरकार हरियाणा में काम कर रही है, और इन 8 सालों में हमने जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, चाहे वो गांव में गली नाली की बात हो, चाहे बड़े बड़े काम हो, कहीं यूनिवर्सिटी खोलने, कहीं कॉलेज खोलना, कहीं अस्पताल खोलने हैं, यानी इस जिले के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि पहली यूनिवर्सिटी भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से स्किल यूनिवर्सिटी इसी जिले में खोली हमने, और वो भी पूरे देश में एक नाम हो गया कि इस प्रकार की स्किलिंग की यूनिवर्सिटी, हुनर के विकास के नाते कोई इस प्रकार का विश्वविद्यालय और कहीं भी देश में नहीं है। ये भी हरियाणा में पहला, और हरियाणा में भी पलवल जिले में पहला।